आज मैं भी बोल देती हूँ कि 5 मिनट में पूरे 9 समोसे बनकर तैयार करेंगे। ये एकदम नया और यूनिक तरीका है समोसे बनाने का, बहुत ही चटपटी मजेदार सी फीलिंग बनती है। और शेप जो हम इसका देंगे एकदम नए तरीके से देंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हो समोसा, बनाने से डरते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसका प्रॉपर शेप नहीं दे पाए, तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। इस मैदा में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। 1/2 चम्मच मतलब छोटा चम्मच नमक लिया है, दोनों को ही टीस्पून से लेना है। उसके बाद लिया है 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी मोइन के लिए। सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ये इस तरीके से जब बंद रहा है इसका मतलब मोइन अच्छे से लग गया है। इम्पोर्टेंट टिप्स है, इसे मिस मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप हम इसमें पानी डालेंगे और इसका हम आटा लगाएंगे। जो पानी हमें इसमें यूज़ करना है वो फ्रिज का ठंडा पानी होना चाहिए। अगर आप फ्रिज का ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो समोसे बहुत खस्ता बनते हैं। आटा जो हमें लगाना है समोसे के लिए वो टाइट आटा लगा कर ही तैयार करना है। ये देखिए आटा हमने लगा लिया है और इसमें पानी लगभग 1/2 कप से भी कम लगा है, क्योंकि ये मैंने 1 कप पानी लिया था और आटा लगाने के बाद इतना बच गया है। अब इसे हम ढकते हैं और 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं, मतलब स्टफिंग। फिलिंग के लिए 1 चम्मच तेल लिया है और साथ ही लिया 1 चम्मच में मिक्स करके सौंफ, जीरा, अजवाइन, मंगरेला और साबुत धनिया क्रश करके लिया है। इसके बाद हींग लिया है और 3 हरी मिर्च ली है। अदरक लिया है कद्दूकस करके, करीब 1/2 इंच अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया। मीडियम फ्लेम पर करीब 1 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटर। तो मटर बॉईल करके लिए है मैंने 1/2 कप। आप चाहे तो फ्रोजन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये उबले हुए मटर है तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 चुटकी जितना हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। सभी को मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। उसके बाद इसमें 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को तोड़कर या पहले से ही मैश करके डाल सकते हैं। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, उसके बाद लेंगे थोड़ा सा काला नमक और खटाई के लिए 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। ऊपर से हरा धनिया और इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में, जिससे कि ये जल्दी ठंडे हो जाए। अब एक छोटे से बाउल में लिया है 2 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच मैदा। दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब आटा चेक कर लेते हैं। 1/2 घंटा हो चुका है, तो अब 1 से 2 मिनट के लिए हम आटे को इस तरीके से और बढ़िया तरीके से मसल लेंगे। उसके बाद इसे लंबा रोल करके इसके पीसेस कट करेंगे और पीसेस की साइज जो हम पूड़ियों के लिए निकालते हैं साइज उतना ही रखना है। अब इन लोइयों के पेड़े बनाकर सूखा मैदा लगाकर इसे बेलना है पूड़ी के साइज में। तो मैं इस तरीके से 4 पूड़ियाँ बेलूंगी। तो मैंने 4 पूड़ियाँ बेल ली हैं और ये 4 पूड़ियाँ इक्वल साइज में सभी पूड़ियों को बेलें। उसके बाद हम एक पूड़ी लेंगे और उस पर जो हमने घी मैदे का पेस्ट बनाया था उसे इस पूड़ी पर लगा देंगे। इसे लगाने के बाद दूसरी पूड़ी रखेंगे इसके ऊपर और फिर से इस पेस्ट को चारों तरफ लगा लेना है। और सेम प्रोसेस से हम तीसरी रोटी रखकर करेंगे और लास्ट में इस चौथे पूड़ी को रखकर इसके ऊपर अच्छे से चिपका दें। और चिपकाने के बाद सूखा मैदा लगाकर इसे बेलेंगे। तो बहुत बड़ी रोटी बनानी है, बेलने के बाद ये काफ़ी बड़ा साइज हो जाएगा और जैसे समोसे के लिए पट्टी बनाते हैं उतनी ही पतली रखनी है। अब कोई चाकू ले सकते हैं या फिर मेरी तरह पिज्जा कटर से इसकी कटिंग करनी है। स्क्वायर शेप में इसे काटना है। इसके किनारों को देखिए इस तरह से हटा देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और बराबर साइज में शेप देना है स्क्वायर में। उसके बाद हम इसे 3 भाग में बराबर डिवाइड करके कटिंग करेंगे इस तरीके से।
और सेम तरीके से दूसरे साइज से भी तीन भाग में जैसा हम मैंने पहले कट की हूँ वैसे ही कट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से पट्टी बनानी है और एक बार में हमने 9 पट्टी बना ली है। अब हमने जो फिलिंग बनाई थी वो करीब 1-1 चम्मच फिलिंग उठाकर इस तरीके से सेंटर में रख देंगे और रखने के बाद हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि फिलिंग बाहर ना आए। और ये देखिए, जितने भी आलू का मसाला था वो हमने रख दिया है। अब इसके किनारों पर हर तरफ हम लगा देंगे पानी, तो ब्रश या हाथ से पानी लगा देना है तो पानी से ही ये चिपकेगा। अब देखिए, मैं जो कोना, ये कोना उठाकर हम इस तरीके से एक साथ लेकर आने हैं और उन्हें चिपका देना है। पानी की अगर कमी लगे आपको तो थोड़ा सा और पानी लगा सकते हैं। फिलिंग को हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, फिर इस तरफ से एक कोना उठाकर इस तरीके से पैक कर देंगे और दोबारा इसे चिपका देंगे। देखिए यह हो गया। अब इसके बाद में ये जो लास्ट कोना है साइड से, उसे भी इस तरीके से पैक कर देंगे। तो ये लीजिए, बहुत आसानी से एक बढ़िया सा समोसा बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए, इसी तरीके से मैंने बाकी के भी समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं देखिए। और यहाँ कढ़ाई में तेल भी गर्म कर दिया है और धीरे धीरे करके सारे समोसे या जितनी भी कढ़ाई में आ जाए आप इसमें डाल दीजिए। शुरुआत में जो फ्लेम है वो लो मीडियम पर रहेगा, तेल को भी लो मीडियम ही गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है तेल को। जब समोसे अपने आप इस तरीके से ऊपर आने लग जाएंगे धीरे धीरे, तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे। जैसे ही समोसे का कलर हल्का सा चेंज होने लगे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, फिर जैसे ही इनका कलर और चेंज होने लगे तब हम फ्लेम को हाई कर देंगे, और जब ऐसा कलर एकदम बढ़िया सा गोल्डन समोसे जैसा जो नॉर्मल कलर होता है तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, बढ़िया समोसे बनकर तैयार है। अब जो हमने पट्टी कटिंग की थी इनके किनारे को, उसे भी मैंने कट करके हटाया था, उसके मैंने लंबे लंबे पतले पीसेस ऐसे कट कर लिया है पतले पतले, और इन्हें भी इस तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। जैसे हमने समोसे को फ्राई कर लिया था सेम वही प्रोसेस कर लेना है, लो मीडियम पर ही इसे फ्राई करना है और बढ़िया गोल्डन कलर जब इस तरीके से आ जाए इसे निकाल लेंगे। और इसकी आवाज़ सुनिए, इतने क्रिस्पी बने हैं। हमने जो नॉर्मली नमक पारे बनाकर तैयार करते हैं ये उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। अंदाज़ा तो आपको देखकर ही लग गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं, और स्वाद में तो इसका पूछिए ही मत। अब समोसे को भी देखिए, मैं तोड़कर आपको दिखा ही देती हूँ। देखिए कितने खस्ता बने हैं और हाथ लगाते ही टूट गया, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। आप भी एक बार इस नए तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है आज की ये रेसिपी। कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।